उसका आगे जाके देखिए, ये देखिए ये व्हाइट कलर का जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ना आपको, ये भानु भवन है। अच्छा है ना, थोड़ा सा इधर में टर्न लीजिए, हल्का सा टर्न लीजिए, ये देखिए ये रेड एंड येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको, रेड एंड येलो, ये इसको बोलते हैं डाली मोनेस्ट्री। अच्छा, दार्जिलिंग का सबसे पुराना मोनेस्ट्री डाली मोनेस्ट्री। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर नहीं देखिए, ये पेड़ के साइड में हल्का सा लंबा सा व्हाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जापानीज टेम्पल इस पोपड़ा। अच्छा, थोड़ा सा इधर में घूमिए, ये रेड एंड येलो कलर का जो क्वार्टर दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं जलपहाड़ी आर्मी का एरिया, जो गोरखा आदमी होता है ना यहाँ पर रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक प्रिंस हुआ था मेउ ना, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ठंड लीजिए। ये देखिए कृष्ण टेम्पल दिखाई दे रहा है, रेड एंड येलो कलर, रेड एंड व्हाइट कलर का टेम्पल कृष्ण टेम्पल है ये। और थोड़ा सा नीचे देखिए, ये लंबा लंबा सा पुराना सा गुफा दिखाई दे रहा है ना आपको, नया ये पहले ब्रिटिश कॉलोनी बोलता है इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे जाके देखिए, ये लंबा सा व्हाइट कलर का जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ना, ये दार्जिलिंग का फेमस टी गार्डन, इसको बोलते हैं हैप्पी वैली। और ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा आगे जाके देखिए, बड़ा सा जंगल दिखाई दे रहा है ना इस साइड में, हाँ इस साइड में, ये दार्जिलिंग का जू एरिया है। अच्छा, और ये थोड़ा आगे जाके देखिए, पहाड़ी दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए पहाड़ी दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा सिक्किम एरिया है, नथुला पास बोलता है इसको, ये देखिए पूरा ये नथुला पास है, इस साइड में है नेपाल, ये देखिए बन लीजिए, ये साइड पूरा नेपाल एरिया है, देखिए दिखाई दे रहा है नेपाल, ये पूरा नेपाल साइड बताया, ये बालू संदकपुर एरिया है पूरा, ये पूरा नेपाल एरिया होता है इसको, ये देखिए। अच्छा, हो गया ना, ठीक हो गया, ठीक है। एक बार फिर दार्जिलिंग का तरफ लीजिए, दार्जिलिंग का व्यू देखिए, सब बोलता है आ रहा है ना दार्जिलिंग का व्यू, हाँ ये देखिए ये सिंहमाड़ी, ये पूरा एरिया सिंहमाड़ी। अच्छा, सिर्फ आधा ही भाग आपको दार्जिलिंग शहर का व्यू में देखने को मिलेगा, क्योंकि पहाड़ है ना इसी। थैंक यू।